मध्य प्रदेश शासन के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के अरविंदो अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्रियों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों से मिले। साथ ही इस बीच कोरोना संक्रमण की सुविधाओं को लेकर अस्पताल का जायजा भी लिया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार और जमातियों के कारण संक्रमण ज़्यादा फैला है। मध्य प्रदेश में कोरोना फरवरी से बढ़ गया था, तब कमलनाथ सरकार द्वारा कोई उचित तैयारी नहीं थी। दिल्ली और मुंबई से तुलना करते हुए मंत्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में होना बताया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। कंट्रोल वैसा नहीं हो पाया। देखो, इस बारे में कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जब जमाती लोग आए उस समय इंटेलिजेंस फेल हुआ और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फरवरी से मार्च तक वो आते रहे और इंटेलिजेंस का ध्यान नहीं गया, सरकार का ध्यान नहीं गया, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ध्यान, इंदौर का उस समय का तात्कालिक प्रशासन और मध्य प्रदेश का उस समय का कमलनाथ जी का शासन आईफा अवार्ड की चिंता कर रहा था। ये दोनों ही, जमाती की चिंता नहीं हुई, कोरोना की चिंता नहीं हुई और उसके कारण से इंदौर में ये स्थिति भयावह बनी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 तारीख को शपथ ली रात को 9 बजे और 23 तारीख को रात को 10 बजे कोरोना की बैठक पहली मुख्यमंत्री किसी ने ली मध्य प्रदेश की। वो लोग जो कहते थे कि इंदौर चीन के वुहान जैसा हो गया है, मैं आपके माध्यम से उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, ये तीनों में कमोबेश एक साथ ये शुरू हुआ कमोबेश। अब आप तीनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और इंदौर के शासन और प्रशासन ने कैसा काम किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितनी चिंता की, यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने कैसी चिंता की। आज बंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर मैं कोई भाजपा सरकारों की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां पूरी तरह से नियंत्रण में हम करते चले जा रहे हैं। मैं किसी दूसरी पार्टी की आलोचना करने के लिए भी नहीं बैठा, पर यह सच है कि आज दिल्ली के अंदर बेड नहीं है, आज दिल्ली के अंदर आईसीयू की उतनी व्यवस्था नहीं है, आज दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर की उतनी व्यवस्था नहीं, जितने पेशेंट है। हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी दिल्ली से लौट लौट के आ रहे हैं, एक जवान खो दिया हमने, नौजवान। कमोबेश यही स्थिति मुंबई की है और मुंबई के अंदर भी स्थिति यह है कि नियंत्रण में नहीं आ रही। मैं उन सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा, दोनों की, न केजरीवाल जी की न ठाकरे जी की, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रतिदिन प्रतिदिन एक भी नागा नहीं है, 210 घंटे से अधिक बैठकें लेके आज आप देखेंगे कि इंदौर की रिकवरी रेट 74% हो गई। मैं वो जो वुहान कह रहे थे उनको संदेश देना चाह रहा हूं, 74% हो गए, डबलिंग भी हमारी 80 के ऊपर निकल गई। आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए और पेशेंट का इलाज तत्काल शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि और हम तेजी से नियंत्रित कर सकें। आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान की दृष्टि से अगर देखें तो हमारी रिकवरी रेट 78% हो गई। हमारे पास आज रनिंग में पूरे मध्य प्रदेश में पेशेंट 2574 ही बचे और व्यवस्था कितनी है बेड की, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2500 कुल पेशेंट है और व्यवस्था 20,000 की। आपके इंदौर में ही 80% बेड अभी खाली है, 80%। ये मैं कोई दिल्ली और मुंबई को संदेश नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा हूं, आपके माध्यम से ये बता रहा हूं कि सरकार की तैयारियां ऐसी भी होती है।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।